आपने जो तीन राज्यों के चुनावी नतीजे आए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उनके बारे में, उन नतीजों के आते ही आपने एक बयान दिया कि सनातन के विरोध की वजह से कांग्रेस की ये हार हुई, तो क्या ये आपने बहुत सरलीकरण नहीं कर दिया इस हार का? देखिए पीयूष जी, चुनाव के जीतने के और चुनाव के हारने के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। जीतने के भी बहुत कारण, हारने के भी बहुत कारण, लेकिन कुछ मुख्य कारण होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिनको इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। उनमें मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जिन पांच राज्यों में हो रहा था, उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, ये जो तीन राज्य थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये बहुत ही धर्म भीरू राज्य हैं। यहाँ धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, या धार्मिक लोग हैं, धर्म भीरू लोग हैं। तो जिस तरह सनातन के बारे में टिप्पणियाँ हुई, सनातन को टारगेट किया गया, सनातन धर्म को मिटाने की बात की गई, सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात की गई, रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात की गई, रामायण को जलाने की बात की गई, और ये सब बातें किसने की? जो इंडिया गठबंधन, जिसको मैं अभी ये नहीं मानता कि वो बना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एलाइज ये सब दल थे जिन्होंने ये बातें की, और इनके इन बयानों के बाद जो हिंदू सेंटीमेंट्स है वो हर्ट हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की आत्मा है सनातन। सनातन के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और सनातन के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो सनातन को मिटाने की बात जो लोग कर रहे हैं, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, और कांग्रेस इस बात का विरोध नहीं कर रही है। तो देश की जनता में, ख़ास तौर से हिंदू कम्युनिटी में, ये मैसेज गया कि कांग्रेस भी इस पाप में शामिल है जी। तो अब जैसे तमिलनाडु में डीएमके ने कह दिया, हम सनातन को मिटा देंगे, तो उस समय कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया कि भाई मिस्टर स्टालिन आप क्या कह रहे हैं। नहीं, उस वक्त तो ये और हुआ कि खड़गे साहब के बेटे जो प्रियंक खड़गे हैं, उन्होंने उसके समर्थन में लगभग बात कही। हाँ, तो ये हिंदुओं को बुरा लगा। और पीयूष जी, भारत जो है ये भावनाओं का देश है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, सर्वधर्म संभाव किसका सूत्र है? हमारा जी। विश्व बंधुत्व किसने दिया? हमने। बिल्कुल। वसुधैव कुटुंबकम किसने दिया? हमने। तो जो धर्म, सनातन धर्म, विश्व बंधुत्व का सूत्र देता है, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र देता है, सर्वधर्म संभाव, सर्वे भवंतु सुखिना का उद्घोष करता है, आप उस धर्म को यदि मिटाने की बात करेंगे तो फिर भारत में राजनीति कैसे हो पाएगी?